बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ जरूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में। क्या मार्केट में चल रहा है, क्या अपडेट्स आ रही हैं और क्या कुछ हो सकता है आगे, उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है और वीकली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के लेवल आप देखो 25,800-25,900 पे चल रहे हैं। कल मार्केट गिरी थी अच्छी खासी और 26,500 तक के बिटकॉइन ने लेवल कल दिखा दिए थे। कल थोड़ा लेवल मेंटेन था $26,000 पे, लेकिन आज आप देखो 25,800-25,900 पे ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अब वीकली क्लोजिंग का टाइम आ चुका है। इस वीक की अगर मैं बात करूं, पिछले 3-4 दिन में जब से ये वीक स्टार्ट हुआ है, मार्केट अच्छी खासी ड्रॉप हुई है, अच्छी खासी गिरी है और 29,300-400 से सीधा 25,000 का लेवल दिखा दिया। तो क्या अभी यहाँ पे और डंप दिख सकता है? ऑलरेडी बहुत बड़े गेम हुए हैं और लॉन्ग्स वालों के साथ काफ़ी बड़े गेम किए मार्केट ने, बिटकॉइन ने। लॉन्ग वाले पहले भी लिक्विडेट हो रहे थे, $1 बिलियन का लिक्विडेशन किया। उसके बाद कुछ वेल्स के भी अच्छे खासे लिक्विडेशन हुए, $55 मिलियन वाली वेल इथीरियम के अंदर सिर्फ लिक्विडेट हो गई। उसके अलावा हैकर भी इस क्रैश से बच नहीं पाया, जिसने क्रिप्टो हैक की उसी की क्रिप्टो भी चली गई। और आज कुछ और ऐसी अपडेट हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बिटकॉइन जिस तरह से चल रहा है, मे बी ये जो वीकली क्लोजिंग है, ये वीकली क्लोजिंग से पहले या वीकली क्लोजिंग हमको 24,000 के लेवल पे बिटकॉइन दिखा सकता है। 24,500 से लेके 24,800 का लेवल बिटकॉइन हमको दिखा सकता है और अगले कुछ घंटों में या फिर कल जो है बिटकॉइन आपको 24,000 के भी दर्शन करा सकता है। 24,800 से ही ऊपर गए थे, वहीं पे लेवल आ चुके हैं और कहीं ना कहीं डंप और दिख सकता है, और बड़ा गेम हो सकता है, मे बी उससे भी बड़ा अच्छा खासा डंप दिख जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एक अच्छा खासा और बड़ा डंप दिखा तो फिर ये कहीं ना कहीं पूरा सिग्नल है कि एक बड़ा पंप जो बिटकॉइन को 35,000-40,000 की रेंज पे लेके जाएगा। कुछ महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ा डंप उसके बाद एक क्विक बड़ा पंप, ऐसे मार्केट का रिएक्शन रहेगा आने वाले कुछ दिन में। डंप तो आ रहा है, लेकिन ये डंप कहाँ तक जाएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। 24,000 भी दिख सकता है और अगर और भी नीचे जाता है तो मे भी 21,000 या 22,000 के भी दर्शन बिटकॉइन करा दे, है ना। मतलब और बड़ा गेम हो जाए, जो यहाँ पे लॉन्ग्स की पोजीशन लग रही है उनको भी मार्केट बिटकॉइन लिक्विडेट कर सकता है। तो अभी लॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहे हो तो। ठीक है, तो जो सिनेरियो रहेगा, जो अपडेट रहेगा, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट की अगर बात करें, आपने देखा वेल सिर्फ एक इथीरियम की पोजीशन के अंदर $55 मिलियन लिक्विडेट हो गए थे। कुछ वेल्स भी यहाँ पे इस क्रैश से बच नहीं पाई हैं, है ना। हालांकि वेल्स गेम करती हैं वेल्स, लेकिन कुछ वेल्स इसी में फंस जाती हैं और अच्छा खासा लॉस बुक कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे एक वॉलेट के साथ हुआ, ठीक है। तकरीबन बहुत सारे कॉइन्स के अंदर, आई थिंक 8 से 10 कॉइन के अंदर जो पोजीशंस लगी हुई थी लॉन्ग की, और ये सारी लॉन्ग की पोजीशंस में अच्छा खासा लॉस हुआ इस वॉलेट को, इस एड्रेस को, इस वेल को। और ये जो लॉस हुआ है $6,40,000 का हुआ है। FXS की बात कर लूँ, OP की बात कर लूँ, RPL की बात कर लूँ, इनके अंदर अच्छी पोजीशंस लगी हुई थी और ये सब कॉइन गिरे हैं मार्केट के साथ साथ, है ना। तो इस वेल को भी 6,40,000 का जो है डॉलर का यहाँ पे लॉस हुआ है। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है एलन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी को लेके। जहाँ मार्केट एक तरफ गिर रही है, अच्छी खासी गिरी है, और उसी तरफ दूसरी तरफ डॉज कॉइन को लेके वेल्स का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। और ये भी बता रहा है कि भैया जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है तो डॉज कॉइन भी आपको गिरता हुआ दिखे। अगर बिटकॉइन गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी कॉइन्स और गिरेंगे, लेकिन डॉज कॉइन 300 मिलियन से भी ज़्यादा डॉज कॉइन रॉबिनहुड से निकले हैं। मतलब रॉबिनहुड से 300 मिलियन जो डॉज कॉइन है उनकी खेप निकली है, इधर से उधर हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है ऐसे टाइम पे जब मार्केट अच्छा खासा गिरा है। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज कॉइन ने अपनी गेम का अनाउंसमेंट बहुत पहले कर रखा था और बेबी डॉज कॉइन की जो चेस गेम है वो फाइनली मंडे को लाइव हो जाएगी। आप खेल पाएंगे जिस तरह शिबा इनू गेम लेके आया, है ना, और बेबी डॉज कॉइन भी कुछ उसी तरह नक्शे कदम पे चल रहा है शिबा इनू के। तो बेबी डॉज कॉइन चेस जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी, दिख जाएगी
जो नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग होगी मंडे को, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू का शिबेरियम आ चुका है, प्राइस में अच्छा खासा ड्रॉप आया। हमारी प्रेडिक्शन जैसी थी वैसा ही शिबा इनू ने किया है। और शिबा इनू की जो शिबेरियम है ना, उसकी कैपेसिटी और स्केलिंग को लेके कुछ अपडेट किया है यहाँ पे शायतोशी कुसामा ने, और कहा है कि ये जो लेयर वन ब्लॉकचेन है, मतलब लेयर जो शिबा इनू की ब्लॉकचेन है, ये कहीं ना कहीं जो इसकी कैपेसिटी है और स्केलिंग है वो कहीं ना कहीं 1500% तक इंक्रीज है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़े नंबर हैं, ठीक है, स्केलिंग की जहाँ तक, क्योंकि ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इश्यूज भी आते हैं। अब ये किस तरह से चलेगी और किस तरह से इसको पुश मिलता है, सक्सेस मिलती है, ये सिर्फ टाइम बताएगा। अभी लॉन्च हुई है, कुछ दिन बीत जाने दो, शिबा इनू की ये ब्लॉकचेन बता देगी कि शिबा इनू का आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है। तो ये थी आज की कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी क्रिप्टोकरेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आगे जो अपडेट रहेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।